ये बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, शेन वॉटसन जैसा प्लेयर किसी प्लेयर के मुताबिक हो, उसने देखा भी हुआ तो अच्छा, उसके लिए बस अपनी क्रिकेट और अपनी बैटिंग की तरफ फोकस करे तो कामयाब होगा, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो डिलीवर करे, और बस एक ही माइंड रखें कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है और अपनी टीम के लिए बैटिंग अच्छी करनी है। अच्छा कामरान, कल के मैच में इसमें हम लोगों को हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन एज ए जो कल जो हम लोगों ने लैग किया है, हम एज ए बैटिंग अच्छा स्टार्ट हम लोग देते और बेहतर था, एज ए जिम्मेदारी सीनियर प्लेयर जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतरूँ, जैसे लास्ट मैच कराची के खिलाफ खेले हैं, ऐसी पार्टनरशिप लगे ओपनिंग की तो वो अच्छा है, फिर थोड़ी सी बॉलिंग में हम लोग उस पर जो गलतियाँ हुई हैं डेफिनेटली मैनेजमेंट देखेगी, बात करेंगी तो सबको बताएंगे, एज ए प्लेयर जो मैंने देखा अपने में वो उस पर मैंने सोचा, उस पर काम किया, तो ये चीज़ है कि जो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना करें, जो भी टीम आए पॉजिटिव माइंड रखें तो इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा पेशावर जलमी को कराची के अंदर कितनी सपोर्ट मिल रही है, चूंकि यहाँ पर जो है पेशावर जलमी जहाँ कहीं भी जाएँ तो मेरे ख्याल से सपोर्ट तो हर जगह मिल रही है, और लेकिन खुशी ये है कि सब टीमों को मिल रही है कराची में, तो ये अच्छा साइन है, मैसेज भी किया दुनिया को, जितने कामयाब मैच हुए हैं वेलकम किया कराची ने, बोले लाहौर ने किया, तो बड़ा अच्छा साइन है हर टीम के लिए, सपोर्ट कराची में लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी हर टीम को मिल रही है, डेफिनेटली कराची की लोकल टीम है उनको ज़्यादा, लेकिन उतनी कोयटा को भी है, उतनी हमें भी है, इस्लामाबाद को भी है। यहाँ एक एक्सपोजर मिलता है प्लेयर को और ऐसी इन्वायरमेंट होती है, यहाँ पर परफॉर्म करना ऐसे ही है जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म का मीडिया जिस तरह का एटमोसफियर होता है वो प्रेशर वही होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट का, बट ये बात ठीक है कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को और डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर हैं और जो इतना ज़्यादा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं इतने इतने अरसे से, हमें उनको ज़रूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ज़्यादा हमें उसकी बेसिस पे जो है लड़कों को चांसेस देने चाहिए। आई थिंक कि वो लड़के अगर उनको यहाँ पे भी चांसेस मिलेंगे जो इतने अरसे से वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली किसी भी टीम से आप खेलते हैं 3 साल आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है जब आप किसी दूसरी टीम में जाते हैं, और टीम भी जाहिर है जो प्लेयर जाता है तो उसको थोड़ा सा फील होता है, बट एज ए प्रोफेशनल हमारा काम है कि जहाँ भी हम जाएँ हमारा जो प्रोफेशन है हमने एज ए प्लेयर खेलना है या जो एज ए मेंटर एज ए सीनियर जो हमारी इनपुट है वो हम उसी तरह दें और ऑनेस्ट रहें अपने प्रोफेशन से। आई थिंक यहाँ पर भी वही सारे लड़के हैं जिनके साथ इतनी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम में, तो बड़ा ज़बरदस्त है, माहौल अच्छा है, कोच हाजी साहब हाजी अकरम के साथ भी बड़े, यूनुस खान के साथ बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम में भी टाइम गुजरा है, यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आई थिंक ओवरऑल इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पर भी, कोई वो चीज़ नहीं है कि जी वहाँ नहीं हो या यहाँ नहीं, वहाँ बड़े अच्छे 3 साल गुजरे, और मोस्टली वो लड़के हैं जिनको मतलब बिल्कुल फ्रॉम नो वेयर आए और फिर वो स्टार्स भी बने हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक चाहे वो वहाँ पे हों मैं वहाँ पे हूँ यहाँ पे हूँ खुशी होती है सबको देखते हैं और परफॉर्म करते हैं। LS टीम है, सारी टीमों में मैच विनर है, और T20 क्रिकेट है, इस पर कुछ आप नहीं कह सकते, एक अच्छी इनिंग जिस तरीके से डेलबोर्ड ने 100 किया, जिस तरीके से कामरान ने 1-2 इनिंग्स खेली, जिस तरीके से इनग्राम इनिंग्स खेल रहा है, तो आई थिंक ओवरऑल बड़ी बराबर बराबर की टीम। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमारी सारा कुछ जो है वो ऑलमोस्ट गलत जा रहा था, उसके बावजूद आखिरी ओवर में 4 बॉलों पे 14 रन, ऐसी सिचुएशन थी कि जहां मैच जीतने के बिल्कुल करीब आ गए, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लस है हमारे लिए, हम अगर 10-15% भी अपनी हर शोबे में इम्प्रूव